सामने वाला क्या करेगा, सामने वाला अटक जाएगा। ऐसा मैं खड़ा रहूंगा ना, मैं ऐसा खड़ा रहूंगा, यहाँ पे खड़ा रहूंगा दरवाजे के सामने, तुम यहाँ पे खड़े रह के वो सामने से आ रहा है और तुम बाद में यहाँ पे आने के बाद आप बोलोगे क्या बोलोगे भाई साहब यहाँ से नहीं। अरे मैं क्या करूँगा, मेरा ड्यूटी कैसा रहेगा, मैं अगर मुझे लेना नहीं है तो मैं बाहर खड़ा रहूँगा ना, लेना नहीं है तो मैं बाहर खड़ा रहूँगा, जब मुझे उसको छोड़ना है तो मैं थोड़ी अंदर खड़ा रह के मैं उसको बोलूँगा भाई साहब, मैं थोड़ा आगे और खड़ा रहूँगा और दरवाज़ा को पकड़ के रखूँगा, तो ये मेरा स्टाइल रहेगा। अरे भाई साहब ये तो बीच में खड़ा है, ये तो मुझे अंदर आने देगा ही नहीं, काहे के लिए मगजमारी करने का। तो ये सब चीज़ें रहती है, तो मैं क्या करूँगा सामने से, सर वहाँ से एंट्री है सर, गुड मॉर्निंग सर, ऐसा भी बोल सकता हूँ मैं, अगर मैं अच्छी तरह से उसके बात करना है उससे तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, ऐसा बोल सकता हूँ गुड मॉर्निंग सर, सर वहाँ से एंट्री है मैकडोनल्ड से की तरफ से वहाँ से एंट्री, मैं ऐसे बोलूँगा बराबर कि नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा मैं यहाँ तक आऊँगा वहाँ तक, यहाँ तक दो सीढ़ी चढ़ा और सामने आके खड़ा और फिर उसके बाद में मैं बोलूँगा कि तुम जाओ करके, तो ये नहीं तरीका रहता है। तो मैं कभी बोलूँगा मैं वो सामने है दिखाई दे रहा लंबे से, तो मैं लंबे से मैं बोलूँगा कि इस यहाँ से सर एंट्री नहीं है, पहले क्या बोलूँगा मैं विश करूँगा सम्मान करूँगा कि नहीं, गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग मैडम ये बोलूँगा कि नहीं, तो ये बोलने के बाद मैं उसको अपना रास्ता दिखाऊंगा, सर वहाँ से आइए, वहाँ से आने का रास्ता है और जाने के वक्त आप यहाँ से जाइए, इसके लिए मुझे दो शब्द बोलना पड़ेगा, अगर मैं बोलूँगा तो, मैं नहीं बोलूँगा तो पहले समझ नहीं पाएगा, चार लोगों से मैं जब बोलता हूँ तो सुनाई देता है सामने वाले को, तो चौथा भी आदमी सुनता है बराबर, मैं क्या उसके कान में तो नहीं बोलता हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं कि हमारे में सिक्योरिटी गार्ड में बदलाव आना चाहिए, सिर्फ कंप्लेन करके कोई मतलब नहीं, तरीका अपनाओ, तरीका क्या रहता है, हर एक का प्लान होता है, अगर मैं सही ढंग से अगर करूँगा वो लंबे से दिखाई दे रहा है तो उसको लंबे से गुड मॉर्निंग सर गुड इवनिंग मैडम, हाँ तो अगर वो सामने नज़दीक आ रहे हैं आपको लगता है तो सर मैडम मैकडोनल्ड के यहाँ से एंट्री है, वहाँ से एंट्री है सर, बस इतना बोलेंगे, क्योंकि मैं डायरेक्ट वहाँ से जाओ सर वहाँ, ये थोड़ा गलत मैसेज जाता है, पहला विश करेंगे गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग मैडम सर वहाँ से एंट्री है, धन्यवाद और फिर बाद में थैंक यू, अगर सुनता है तो उसको थैंक यू भी बोल सकते हैं हम लोग, धन्यवाद भी बोल सकते हैं, मगर मुँह से हम लोग अगर शब्द निकालेंगे तो, मुँह से अगर हम लोग शब्द नहीं निकालते तो क्या होता है, सामने को वाले को अच्छा भी नहीं रहे साला आया सामने सामने इधर सुबह सुबह आ रहा हूँ मैं तो मुझे भगा रहे, तो ये होता है। तो कॉमन क्या है कि मैं किसी को नमस्कार करता हूँ, मैं किसी को प्रणाम करता हूँ तो उसको अच्छा लगता है, मगर मैं किसी को कुछ बोलता ही नहीं हूँ, इधर जाना है वहाँ से, तो किसी को मैं बोलता नहीं, अभी इधर से जाएंगे लोग टप में जाना है, सब टप में तो जा रहे, ठीक है समझ में आ रहा है। तो ये सब चीज़ें अगर हम लोग बोलेंगे बात करेंगे सामने वाले से तो ही हम लोग करेजियस उसको बोलते हैं, धाड़स करते हैं, मैं अगर धाड़स करूँगा तो ये होगा, मैं धाड़स नहीं करूँगा तो मेरा कंप्लेंट ही होगा, मैं किसी को रोकूँगा, मगर तरीका रहता है उसके लिए करेजियस, उसके लिए धाड़स होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में सी फॉर करेजियस हुआ, उसके बाद में यू, सी के बाद ए बी एस ई सी यू, स्ट्रेट गो स्ट्रेट, सी के बाद यू आता है, यू फॉर यूनिफॉर्म, सिक्योरिटी गार्ड हमेशा यूनिफॉर्म में कैसे होना चाहिए, यूनिफॉर्म में होना चाहिए, हर हमेशा यूनिफॉर्म में होना चाहिए, ऊपर से लेके नीचे तक, जूता भी उसका अगर रहेगा तो भी जूता पॉलिश रहना चाहिए, समझ में आए। ये सब चीज़ें अगर हम लोग ध्यान में रखते हैं, आईडी कार्ड भी होना चाहिए, अगर बटन टूटा है तो बटन लगाना चाहिए, तो हम लोग का एक क्या रहता है, प्रेजेंटेशन रहता है, सामने वाला देखता है, क्या देखता है सामने वाला, सामने वाला देखता है कि हाँ ये परफेक्ट क्या यूनिफॉर्म में है और अच्छी तरह से दिख रहा है, साफ सुथरा है, बाल वगैरह सब कम है, बंधे हुए हैं, बिखरे हुए नहीं है, तो लुक अगर हमारा प्रेजेंटेशन अगर अच्छा रहेगा तो क्या होगा, एक अच्छा इमेज जाएगा कि बाबा ये एक सुशिक्षित सिक्योरिटी गार्ड है, उसको सब तरह का नॉलेज है, बराबर कि नहीं, कैसा रहना कैसा खड़ा रहना, कभी कभी हम लोग ऐसे एक पैर पे खड़े रहते हैं, ऐसे रहते हैं, ये गलत है, हम लोग को खड़ा रहना है तो इस तरह से ही खड़ा रहना है, अगर बैठते वक्त बैठेंगे तो ऐसे बैठेंगे, कुर्सी पे बैठेंगे, कुर्सी पे बैठेंगे तो ऐसा नहीं कि एक टंगड़ी, कभी कभी कोई ऐसा टंगड़ी ऊपर करके रहता है तो वो भी गलत है,
समझे, बैठेंगे तो क्या रहेगा, सिर इस तरह से बैठेंगे और ऐसा पीठ टेकेंगे, आराम से नहीं बैठेंगे। लेकिन बैठने के टाइम हम लोग दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ हम लोग देखेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं यूनिफॉर्म में, अगर हम लोग हैं तो सामने वाला थोड़ा क्या होगा कि ये अच्छा क्वालिटी का सिक्योरिटी गार्ड है, समझ। क्वालिटी यानी क्वालिटी पहचानी जाती है हमारी, अगर क्वालिटी अच्छी है तो कोई भी अच्छा तरह से बात कर सकता है सामने वाले से, नहीं तो क्या बोलेगा ये कैसा है, इसको बात करने का तरीका नहीं है, ये अपने को ही पढ़ाएगा, चाहे गलती उसकी का हो लेकिन वो सिक्योरिटी गार्ड को ही सुना के चला जाएगा। इसके लिए हम लोग को पहले ही आवाज़ बुलंद रखना है, प्रेजेंटेशन यानी मैं अगर अच्छा दिखूंगा तो ही प्रेजेंटेशन दिखाई देगा, मैं ऐसा रहूंगा यूनिफॉर्म में, हाँ देखो क्या रुबाबदार सिक्योरिटी गार्ड दिख रहा है, रुबाबदार मतलब हाँ कड़क रुबाब, उसका देखो क्या रुबाब है, क्या दिखता है चिकना हीरो, यानी एक अच्छा सिक्योरिटी गार्ड अगर दिखाई देगा तो सामने वाला बात करने के लिए ढंग से बात करेगा, नहीं तो गाली गलौज करने वाले भी रहते तो उससे अच्छा, अभी मैं देखो मैं कोट पहनता हूँ यूनिफॉर्म अच्छा है तो सामने वाला सोच समझ के पहले बात करता है, सामने वाला पहला डरता है, अगर मैं यूनिफॉर्म में नहीं रहूँगा तो क्या होगा, सामने वाला ये कौन है मेरे को सिखाने वाला कौन है क्या, ये रहता है। इसलिए मैं आईडी कार्ड वगैरह सब टाई वी वगैरह सब पहनता हूँ, तो इमेज पहले जाता है कि बाबा ये कोई तो बड़ा साहब है, समझ गए। तो ये इस तरह से अगर यूनिफॉर्म का क्वालिटी हम लोग अच्छा रखेंगे तो हम एक अच्छा रुबाबदार सिक्योरिटी गार्ड दिखाई देंगे। उसके बाद में यू के बाद में क्या आता है, आर, आर फॉर रोबस्ट, रोबस्ट यानी मजबूत, मजबूत सिक्योरिटी गार्ड कैसा होना चाहिए, मजबूत, सामने से अगर दौड़ता है दौड़ के आता है तो भी मैं दो कदम यहाँ पे आके उसको रोक सकूंगा, ऐसे समझ गए, ये मजबूती चाहिए हमारे पास सिक्योरिटी गार्ड को। किसी को पकड़ना है तो क्या कैसे पकड़ोगे फिर, बरा कि नहीं, दौड़ के पकड़ोगे, पहले ही अलर्ट रहोगे, रोबस्ट यानी मजबूत, अगर मैं मजबूत हूँ तो हमेशा कैसे रहूँगा, खड़ा ही रहूँगा, हाँ ताज़ा रहूँगा, ऐसे रहूँगा, ऐसा देखूँगा या कोई आ रहा है क्या, यहाँ से कोई जा रहा है क्या, इधर से देखूँगा, रुबाबदार यानी मजबूत की तरह मैं क्या कर रहा हूँ, ड्यूटी कर रहा हूँ, ड्यूटी कैसा कर रहा हूँ, मजबूत, कोई सामने से आता है तो मैं उसको रोकने के लिए तैयार हूँ, कोई अगर भाग रहा है कुछ सामान लेके तो उसको पकड़ने के लिए मैं रोबस्ट हूँ, मजबूत हूँ, अगर कोई गाड़ी रोकना है तो मैं उस गाड़ी को रोकने के लिए मैं मजबूत हूँ, मैं ऐसा बैठ के रोक सकता हूँ क्या, मैं पुलिस थोड़ी हूँ, मैं पुलिस भी होऊंगा तो भी सामने वाले को अगर रोकना है तो मैं डंडा सामने करूंगा कि नहीं, यानी कुछ एक्टिविटी करूंगा, उससे क्या होगा कि मैं मजबूत की तरह सिक्योरिटी गार्ड कैसा ड्यूटी कर रहा है, रोबस्ट यानी मजबूती से ड्यूटी कर रहा है, यानी फुल एनर्जी, एनर्जी रहेगी तभी हम लोग मजबूती की तरह ड्यूटी करेंगे कि नहीं। तो इसका मतलब हमको क्या करना है, हमेशा सिक्योरिटी गार्ड को मजबूती से रोबस्ट की तरह ड्यूटी करना चाहिए, समझ गया। ऐसा नहीं कि बैठे ही रहें और फिर बाद में ध्यान नहीं, आदमी जब बैठता है तो क्या होता है, रिलैक्स होता है, रिलैक्स होता है तो आदमी क्या डल ढीला हो जाता है, कभी भी देखो आप बैठे रहेंगे तो ढीला हो जाएंगे, मगर कड़क रहेंगे तो, और सोच भी रहना चाहिए वैसा, अगर मैं सोच है मेरा बैठा हूँ मैं थोड़ा चलो पैर दुख रहा है लेकिन मैं गर्दन तो घुमाऊँगा तो ये रही मेरी मजबूती रोबस्ट, अगर मजबूती नहीं है तो मैं बैठा तो बैठे बैठे भी सो जाऊंगा, तो ये हो गई क्या कमज़ोरी। तो हमको क्या करना है, मजबूती के साथ हमको ड्यूटी करना है, ठीक है। उसके बाद में आई फॉर इंटेलिजेंट, सिक्योरिटी गार्ड को कैसा होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए, दिमाग, दिमाग होना चाहिए, सामने वाला क्या है, सामने वाला अगर शेर है तो हम सवा शेर होना चाहिए, शेर है अब मेरे को लगता है ये शेर है मेरे को तो उल्लू बनाएगा लेकिन मैं सवा शेर हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, दिमाग, उससे प्यार से बात करूँगा क्या, झगड़ा करके बात करूँगा, कल मैंने उससे प्यार से बात किया यानी मेरे लिए उसने मुँह से तो हाँ निकाला है कि नहीं, मैं हाँ ठीक है मैं सबको बताऊँगा सब ये कर दिया, लेकिन आखिर में क्या रहता है, जो गार्ड वहाँ पे है अगर गार्ड के ऊपर भी उतना बोलने का तरीका होना चाहिए, इसलिए बोलते हैं हाँ तुम्हारा सुनता है हमारा नहीं सुनता है तो साहब का ही सुनता है, तो आप हर एक जगह पे साहब ही हो, उस गेट पे अगर ड्यूटी करते हो तो उस गेट का मालिक है आप,
आप जो चाहोगे वही होना चाहिए, समझ गए? जो नियम है नियम के अनुसार होना चाहिए। इसके लिए मैं पहले से अरेंजमेंट करूँगा, पहले से अरेंजमेंट करूँगा ना, मैं तो कड़ी लगा के रखूँगा, साला ये आएगा ही कैसा? मैं अगर मैं झगड़ा भी कर दिया उसने तो मैं उसको यस कीप सोशल डिस्टेंस, कीप सोशल डिस्टेंस, समझ गए? वो गले मिल रहे थे। तो ये सब चीजें हमको ध्यान में रखना है। क्या रखना है? कौन सा? इंटेलिजेंट, दिमाग, दिमाग से आपको काम करना है। अगर मेरी आवाज बुलंद है तो मैं इंटेलिजेंट से काम कर रहा हूँ, मैं कुछ देखूंगा और कुछ बोलूंगा नहीं तो वो क्या होगा? हाँ, इंटेलिजेंट से काम नहीं कर रहा हूँ। इंटेलिजेंट मैंने हर एक दिमाग, हर एक जगह पे दिमाग आप लोग यूज़ करोगे। अभी मेरे पास दिमाग है, मैंने क्या किया, मैं कुछ देखूंगा और बोला ये तो लंबा है, लेकिन मेरी आवाज़ उसके सामने पहुंच गई, मैं उसको बोला कीप सोशल डिस्टेंस, क्या वो लोग गले मिल रहे थे, समझ गए? तो ये सब चीज़ें है कि हमको क्या करना चाहिए उस वक्त। अगर मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँच जाए तो सामने वाला डरेगा कि नहीं, और कुछ करना चाहे तो वो नहीं करेगा। अभी तो मेरे सामने किया मैं, लेकिन मैंने क्या किया, इंटेलिजेंट दिमाग है मेरे पास, मैंने रोक दिया। अगर आपके पास दिमाग है तो आप उसको बोलोगे, अगर दिमाग नहीं है तो नहीं बोलोगे, है कि नहीं? मतलब जाने दो, वो किधर है, मैं किधर है, वो देखो क्या कर रहा है, ऐसा तो हम लोग करने के लिए दे रहे हैं। यानी इंटेलिजेंट नहीं है कि मैं वो आगे का काम करूँ कि नहीं करूँ। इंटेलिजेंट यानी दिमाग, दिमागदार होना चाहिए। अगर मुझे लेट हो रहा है तो मैं जल्दी निकलूँगा, यानी दिमाग है कि नहीं मेरे पास? कोई बोलता है ना कि दिमाग है ना तुम्हारे पास, तो वो उसका ये करो, क्या करो, इस्तेमाल करो। तो हर जगह अगर कोई झगड़ा करता है अपने से, पंगा लेता है, तो अपने को लग रहा है कि नहीं हो रहा है मेरे से, तो मैं क्या करूँगा, उससे मचमच करते रहूँगा क्या? मेरे में ताकत है तो भी मैं झगड़ा करता हूँ, मेरे में ताकत नहीं है तो मैं रुक जाता हूँ, मैं पुलिस को फ़ोन करता हूँ और बुलाता हूँ। इसका मतलब मैं पर्याय निकालता हूँ। हर कहीं पे भी मैं पुलिस स्टेशन में जाऊँगा तो मेरा सुनने वाला है, क्योंकि मैं ऑन ड्यूटी काम कर रहा हूँ, और उस काम के लिए कोई अगर ज़बरदस्ती कर रहा है तो मैं कंप्लेंट लॉन्च कर सकता हूँ। उसमें ताकत रहता है पुलिस में, तो सामने वाला डरता ही है, क्योंकि मैं अपने तरीके से काम कर रहा हूँ, मेरे को मेरे सीनियर ने बोला है ये करना है तो ये करना है। अगर नहीं सुनता है तो मैं क्या करता हूँ, पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट कर, सर माला पुलिसांना पुलिसांची मदद हवी है। ये दिमाग हो गया इंटेलिजेंट, समझ गए? दिमाग से मैंने काम किया, और वो झगड़ा करने से अच्छा मैंने पुलिस को क्या किया, बुला दिया और उसका कंप्लेंट कर दिया, तो क्या हुआ, और डर गया वो। अगर मैं मारपीट करता तो मेरे हाथ से भी वो चोट लगेगी और उसका उसको कुछ हो जाएगा, कभी कभी मर्डर भी हो सकता है, ऐसा सब चीज़ें होती है। तो हमको हाथ उठाना किसी के ऊपर नहीं रहता है, तो इसके लिए दिमाग से काम करूँगा मैं, पुलिस बुलाऊँगा और वो चुपचाप चला जाएगा या उसको पुलिस बंद कर देगा, समझ देगा, बंद कर देगा जो भी है, ठीक है? तो ये चीज़ें हम लोग को करना चाहिए। आपको लगता है कि नहीं सुनता है तो आप लोग चुपचाप बैठते हैं, तो हम लोग क्या करना चाहिए, तो ये चीज़ें करना चाहिए। हमको पुलिस कंप्लेंट करें, सर अगर आप ज़बरदस्ती करते तो मुझे पुलिस कंप्लेंट करना होगा। चाहे हम लोग किसी को बोलते हैं ना मास्क पहनो, बिना मास्क ना आप लोग अंदर नहीं आ सकते, ये अगर कोई ज़बरदस्ती करता है तो हम उनका कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद में आई के बाद टी आता है, टी का मतलब ट्रेंड। सिक्योरिटी गार्ड कैसा होना चाहिए? ट्रेंड होना चाहिए। अगर वो ट्रेनिंग लेता है तो अभी पसारा एक्ट 2005 के अनुसार सिक्योरिटी गार्ड को कितने महीने की ट्रेनिंग लेनी चाहिए? ये गाड़ी पार कर रहे हैं क्या, जा रहे हैं? हाँ, किसी का? हाँ, जा जा वहाँ पे जाके बोल दे उसको क्या करना है, चाहता है वो इधर गाड़ी पार्किंग नहीं कि किधर गाड़ी, उसको बता ना गाड़ी पार्किंग का जगह बता, ठीक है? तो ये सब चीज़ें अगर मैं देखता हूँ तो मैं अगर बोलता हूँ, मैं चार कदम आगे जाता हूँ तो बोल पाऊँगा, अगर चार कदम मैं चलूँगा नहीं तो ये सिक्योरिटी गार्ड को ट्रेनिंग दिया ही नहीं लगता है, इसको मालूम ही नहीं। अगर मैं यहीं पर रहूँगा तो गाइडेंस होता है, चारों कोई आमने सामने कर रहा है, गलती से मेरा ध्यान वापस बैठ गया तो मैं क्या समझूंगा कि हाँ वो तो इधर उधर पार्क करने के लिए रहे, लेकिन मैं चार कदम जा रहा हूँ तो मुझे क्या समझ में आया, क्या समझ में आया वो किधर जाना चाहता था, उसके एग्जिट मालूम नहीं था, मालूम नहीं था, तो मैंने उसको जानकारी दे के
एक ट्रेन सिक्योरिटी गार्ड का काम है उसको सामने वाले को ट्रेन करना भी है, यानी उसको मालूम नहीं है, तो मैं उसको जानकारी देके, कभी कभी क्या होता है कि सिक्योरिटी गार्ड, अभी कल ऐसा ही हादसा हो गया था, एक बार ऐसा ही हादसा हो गया था, एक गाड़ी बीच में लगाई दूसरी गाड़ी ने जाने को रास्ता नहीं, तो मैं आखिर में यहाँ हुआ घूमा और बाद में चाबी मिली गाड़ी की और वो गाड़ी मैंने उसको बोला कि गाड़ी आगे पीछे कर लो, हाँ वो गाड़ी आगे पीछे करने के बाद उसकी गाड़ी निकल गई, यानी एक दिमाग क्या है वो, अब मैंने क्या किया, मैं ट्रेन था, मैं सबको मुझे मालूम है कि बाबा ये गाड़ी हिलेगी कि नहीं हिलेगी, तो ऊपर वाले की दया से ऐसा समझो कि वो गाड़ी की चाबी गाड़ी में ही पीछे साइड में लगी हुई थी और वो मिल गया और मेरा काम आसान से हो गया, ये काम हो गया मेरे को, एक ये मिल गया कि मैं कुछ करूँ और कुछ करने की कोशिश की, तो ये हो गया। और तो दूसरी गाड़ी जो जिसका निकालना था उसने वो गाड़ी बाजू में कर दी और अपनी गाड़ी निकाल ली, तो ये हो गया दूसरी बार। और एक हुआ परसों के दिन बी मॉल में क्या हुआ, वो गाड़ी उन्होंने कहाँ लगाना है, तो उन्होंने कहा यहाँ से जाओ, तो बाद में देखा नहीं गाड़ी कहाँ पर, उसके पीछे ही गाड़ी लगा दी और बीच रास्ते में गाड़ी लगा दी, ऐसे ही गाड़ी लगा, गाड़ी आने जाने का रास्ता ही नहीं, ये लोग भाई चिल्लाने लगे हाँ हूँ करके सबको बुला लिया, मैं भी आ गया, मैं पार्किंग वाले को बुलाया लेकिन सब लोग देख ही रहे क्या करूँ अभी, मतलब क्या करना पड़ेगा। तो बाद में गाड़ी को आगे पीछे किया, दरवाज़ा तो लॉक था लेकिन गाड़ी न्यूट्रल में थी, मैंने ऐसे थोड़ा पुश किया तो देखा तो गाड़ी हिल रही है, गाड़ी हिल के वो डायरेक्ट मैंने पार्किंग में लगवा दिया, आगे पीछे करके पार्किंग में लगा दी, यानी काम हो गया। मैंने कुछ क्या किया, मैं एक ट्रेन सिक्योरिटी गार्ड का था, मेरे को मालूम था कि मुझे कुछ करना है, मैं ऐसे हाथ धो के नहीं बैठूंगा, किसी को बताऊंगा नहीं, अरे भाई देखो क्या करना पड़ेगा, चार लोगों को मैं देखूंगा, पूछूंगा, सवाल करूंगा, मगर मैं कुछ किया, मैंने क्या किया, वो गाड़ी न्यूट्रल ही मिली मेरे को, यानी मैंने अभी सब लोग आ गए मगर सब कुछ कर नहीं बैठे, कर नहीं पाए, तो आखिर में क्या किया मैंने, हेलो हाँ बोलो, हाँ ठीक है आ रहा हूँ मैं, अभी ट्रेनिंग चला था, तुम लोग आए कि नहीं, हाँ ठीक है चलो, तो क्या था, हाँ तो गाड़ी का न्यूट्रल था, गाड़ी न्यूट्रल थी तो मैंने क्या, वो गाड़ी को आगे धक्का मार के, चार दो जन थे और धक्का मार के आगे कर दिया, यानी पार्किंग में बरा लगी, मेरा काम हो गया। अभी क्या है कि सामने गाड़ी आती है तो मेरा काम पहला रहता है, कोई भी हो, सिक्योरिटी गार्ड हो या पार्किंग वाला ही हो, हमारी नज़र अगर बराबर है तो मैं उसको बुलाऊंगा और उसको जगह दिखाऊंगा और वो जगह पे रखेगा। अगर पार्किंग वाला काम नहीं करता, पार्किंग वाला है ही नहीं, तो मुझे देखना है ना, कल इंसिडेंट होता है मेरा साहब के जगह पे गाड़ी रहे तो सिक्योरिटी क्या कर रहा है, फिर तेरा काम क्या है, तो तेरा काम क्या है, तेरा एक तो काम है तो सामने वाले से काम करवा ले, नहीं तो अपने को करवा ले, अपने को करना पड़ेगा, करना पड़ेगा कि नहीं करेगा, हम लोग क्या लड़ते बैठेंगे, एक तो सामने वाले से करवा लो नहीं तो खुद करो, तो हम लोग अपने पोस्ट पे, तो सिक्योरिटी गार्ड का काम क्या है, हर एक काम अपना रहता है। फायर ब्रिगेड का देखो, फायर ब्रिगेड का काम है रास्ते पे अगर ऑयल गिरा है तो फायर ब्रिगेड को बुलाने के बाद भी वो मट्टी उठाने का काम करता है, हम लोग बोलेंगे मट्टी उठाना है मेरा, वो तो लेबर लोग का काम है, ऐसा आप बोलोगे आप, तो ये हम हर एक काम हमारा होना चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड का काम, हर एक काम सिक्योरिटी गार्ड का होना चाहिए, अगर उसको इंसिडेंट होता है उससे कोई एक्सीडेंट हो सकता है, इंसिडेंट हो सकता है, तो वो काम हमारा ही है। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ कोई गंदगी करता है तो मेरा काम है उसको रोकना कि नहीं, चाहे वो कचरा करे, हम लोग बोलेंगे भी हम लोग का काम थोड़ी है कचरा करना या कचरा उठाना, हमारा काम नहीं है, मगर हमको क्या करना है, हमारा गलती क्या है, मैंने उसको कचरा करने की इजाज़त दी, उसने जानबूझ के नहीं की, मगर उसका आदत रहता है हर एक का कि कोई खाए और फेंक दे, मगर हमारा काम है ध्यान देना। ट्रेन अगर मैं रहूँगा तो मैं क्या देखूँगा, मैं ये सब चीज़ें देखूँगा ना, आप बोलोगे कि आप क्या है कचरा, हमारा काम है देखना, तो हमारा काम है प्रॉपर्टी की रक्षा करना, प्रॉपर्टी की रक्षा करने के लिए हम लोग है ना, जान की रक्षा करना, माल की रक्षा करना और सबका सम्मान करता, वैसे प्रॉपर्टी की रक्षा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रक्षा करने के लिए क्या करेंगे, किसी को गंदगी करने देंगे नहीं, क्या प्रॉपर्टी लेके जाने के लिए देंगे नहीं, ये सब चीज़ें आती है, गंदगी भी नहीं करना और माल बिना इजाज़त का बाहर जाने के लिए भी नहीं देना, तो ये सब ट्रेंड सिक्योरिटी गार्ड अगर आप है यानी ट्रेनिंग लोगे, मेरी बात सुनोगे या ट्रेनर की बात सुनोगे तो आप कर पाओगे, ये ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है इसके लिए। और वाई फॉर, उसके बाद में क्या आता है टी के बाद, वाई फॉर यूथफुल, यूथफुल का मतलब सिक्योरिटी गार्ड कैसा होना चाहिए,
हाँ जवान होना चाहिए। अगर बूढ़ा भी है तो भी क्या होगा, अभी मैं भी बूढ़ा हूँ।